हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं पार्ले जी बिस्किट से केक, जिसमें कि ना कि आपको कोई बेकिंग सोडे की जरूरत है, ना ही कोई बेकिंग पाउडर की जरूरत है। ये आप मात्र ये 3 पैकेट, जो कि 5 रुपये का पैकेट आता है, टोटल 15 रुपये में आप अपने घर में केक बना के अपने बच्चों को खिला सकते हो। ये देखिए, मैंने 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के लिए हैं। उसके अलावा ये देखिए, 2 चम्मच मैंने बड़े चीनी के लिए हैं। इसमें वैसे तो पार्ले जी बिस्किट मीठा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा केक में थोड़ा ज़्यादा मीठा बच्चों को पसंद आता है, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसके अलावा ये देखिए, मैंने आधे से थोड़ा कम है ये इतना दूध लिया है। अब मैं पहले क्या करूँगी, बिस्किट खोल के इसको इस मिक्सिंग जार में डाल लूँगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये 2 चम्मच जो चीनी लिए हैं वो डालूँगी। पहले मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब आप देख सकते हो, मैंने बिस्किट को ये देखिए छोटा छोटा ऐसे तोड़ लिया है हाथों से। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में डालूंगी। ये देखिए ऐसे, ये सारे बिस्किट। अगर आपका मिक्सिंग जार छोटा है तो आप थोड़े थोड़े डाल के बनाइए, लेकिन ये मेरे वाला मिक्सिंग जार बड़ा है, इसलिए मैं इसमें एक साथ में ही डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए इसका फाइन, ये देखिए बिल्कुल फाइन बन गया है ये इसका। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 बड़े चम्मच। अब मैं फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ये और डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। ये ना बहुत ही ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, आपको भी ऐसा ही रखना है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1.5 चम्मच कोका पाउडर का डाल दूँगी। ये देखिए, ये 1 और ये आधा। अब ये डालने के बाद मैं फिर से इसको एक बारी ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, कोका पाउडर के डालने के बाद ये देखिए इसका कलर देख सकते हो आप, बिल्कुल चॉकलेटी लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये देखिए, ये 1 स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दूँगी। मेरे पास ये वाला इनो फ्रूट सॉल्ट है, आपके पास ब्लू वाला हो तो आप ब्लू वाला भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि ग्रीन वाला ही डालना है। ये देखिए, ये मैं डाल दूँगी। अब मैं इस पर ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। ये देखिए, इससे जो दूध डालने से क्या होता है, जो इनो है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है। अब मैं इसको ग्राइंडर जार को चला दूंगी। ये देखिए, इनो डालने के बाद आप देख सकते हो ये फ्लफी सा बन गया है। अब इसको ज़्यादा टाइम आपको नहीं रखना, अब इसको आपको जल्दी जल्दी कंटेनर में भर के इसको बेक कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपने केक पैन को ग्रीस कर लिया है ये ऑयल से थोड़ा बहुत। ये देखिए, साइड पे भी लगा देना ताकि ये अच्छी तरह निकल जाए, जब हम केक इसमें से निकालें फिर साइड पे चिपके ना। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा, मेरे पास जो वो होता है पेपर वो नहीं है, बटर पेपर नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं ये ऐसे ही इसको बना रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैं सूखा आटा इसके नीचे ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। ये मैंने मैदा कर रही हूँ, मैं आटा नहीं लिया, मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे, अब मैं जो केक का बैटर है वो इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा जो बैटर है अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, आप देख सकते हो कैसी है। ये इसकी खुशबू से पता चल रहा है कि हमारा केक बहुत अच्छा टेस्टी यम्मी बनने वाला है। ये देखिए, अब मैं सारा इसमें अच्छी तरह डाल दूँ। ये देखिए, मैंने बैटर को इसमें केक टिन में डाल दिया है। अब मैं इसको ये देखिए बेक करूँगी। मेरा सैमसंग का माइक्रोवेव है। ये देखिए, अब मैंने ये इसको बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसके ये बीच में रख दूँगी। अब ये मेरे सैमसंग में कैफेटेरिया है, मैं इसको दबाऊँगी। ये देखिए, और स्टार्ट। मैंने 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया है इसको, और 3 मिनट में मैं इसको चेक करके देखूँगी कि हमारा केक बना है या नहीं बना है। अब जब तक हमारा केक बन रहा है, तब तक लिए हम इसका जो सिरप है जो इसके ऊपर डालने वाला, वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे केक को 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने माइक्रोवेव बंद कर दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हो हमारा जो केक है वो अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी,
एक प्लेट ले लें। ये देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, ये साइडों से पहले ही निकल चुका है। ये देखिए आप देख सकते हो, इसको ज़्यादा चाकू के साथ या कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखिए मैं आपको नाइफ से दिखा सकती हूँ सेंटर से। ये देखिए ये इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा, हमारा केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब मैं इसको ये देखिए इसके ऊपर ये प्लेट इसको ऐसे उल्टी करके रख दूंगी, और ये देखिए इसको ऐसे, ये देखिए इसको टैप करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए हमारा जो केक है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको फिर से दूसरी साइड ऐसे घुमा लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हो हमारा जो केक है कितना फ्लफी बना है। ये देखिए अब मैं इसको ठंडा होने के लिए 5-7 मिनट रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ये देखिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ये देखिए ये वाले स्पून, 2 स्पून पानी डालूंगी। ये देखिए 1 और 2, और 2 ही स्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी, क्योंकि एक ताकि हमारा जो केक है वो सूखा सूखा सा ना रहे। और ये इस पर हम एक चीनी का, ये देखिए ये 1 और ये 1/2, ये 1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। मैं एक तरह का सिरप ही बना रही हूँ, ताकि ये अच्छे से जब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे केक के पे ऊपर, तो हमारा जो केक है वो सूखा सूखा सा नहीं रहेगा। बस इसको हमें चीनी को थोड़ा सा मेल्ट ही करना है, ज़्यादा एक तार या 2 तार वाला नहीं बनाना है, सिर्फ इसको मेल्ट ही करना है। ये देखिए हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, मैं इसको नीचे उतारूँगी। ये देखिए हमारा केक भी अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। ये देखिए इससे क्या होता है, हमारा जो केक है वो सूखा सूखा सा नहीं रहेगा। अगर हम किसी पार्टी के लिए या बर्थडे केक के लिए बना रहे हैं तो ये सिर्फ डालना चाहिए। इससे क्या है कि जो केक है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खाने में भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और ये सूखा सूखा सा भी नहीं ऊपर से रहता। ऐसे आपको इस सिरप को अच्छी तरह, ये चीनी का जो सिरप हमने बनाया है, अच्छी तरह सारे केक पर फैला देना है। ये देखिए मैंने अपना जो चीनी और पानी का सिरप बनाया था वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक के लिए मैं इसके ऊपर डालने के लिए अपना एक चॉकलेट सिरप वो जो है वो बना लेती हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए मेरे पास कोका पाउडर है, ये मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए ये 1 और ये तकरीबन ये 2 ही स्पून है। अब ये देखिए 2 स्पून मैंने इसमें कोका पाउडर डाल दिया है, और इतना ही मैं इसमें 2 स्पून ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये देखिए 1 और ये 2। अब इसको मैं ऊपर गैस चला दूंगी और चीनी को मेल्ट होने तक। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूंगी। ये देखिए हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें यही, ये देखिए 1 और 2 स्पून दूध डाल दूंगी। ये देखिए इससे क्या है, हमारी बहुत अच्छी, मेरे पास हर्षी या कोई और भी चॉकलेट सिरप नहीं है, इसलिए मैं ये वाली ऐसे बना रही हूँ कोका पाउडर से। ये जब तक चीनी, हमको चीनी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट कर लेनी है। ये देखिए बस इसको 1-2 मिनट ही पकाना है। ये देखिए हमारी चॉकलेट सिरप बन के रेडी है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा करूंगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसको केक पे डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो सिरप है वो बनके रेडी है, आप देख सकते हो। ये देखिए इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी अपने घर में ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपके पास हर्षी या कोई चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप केक पे डालने के लिए ऐसे बना सकते हो। अब मैं इसको केक के ऊपर ऐसे, ये देखिए स्प्रेड कर दूँगी। आपको इसको सेंटर में डालना है, ये अपने आप ही फैल जाएगा साइड। इसको अच्छी तरह ऐसे घुमा घुमा के सारे केक पे फैला दीजिए। ये देखिए सिरप डालने के बाद देखिए अब हमारा केक देख सकते हो, पूरा चॉकलेट ही दिख रहा है। अब मेरे पास ये थोड़े से जैम्स हैं, ये देखिए आप देख सकते हो। आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रखने हैं। ये देखिए मैं ऐसे इसके ऊपर रख दूंगी, मेरे बच्चों को ये खाना पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, अब मत रखिए इस पर। ये देखिए अब मैं इससे ये अच्छी तरह इसके साथ डेकोरेट कर दूंगी।
ये देखिए हमारा पार्ले जी बिस्कुट का केक बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।